हेलो स्टूडेंट, प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए एक मैं अच्छी खबर लेके आया हूँ कि उनको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है और ग्रेस मार्क्स के सहारे वो पास हो सकते हैं, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उनको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है तो उसके आसपास का उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आता है वो लिखना आना चाहिए, यानी पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब तक पूरी लास्ट तक न्यूज़ सुनोगे, ये वीडियो देखोगे, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले स्टूडेंट की काफ़ी हद तक परेशानी भी कम हो जाएगी। मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाली है। डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट कुछ बच्चों का आ गया है, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट आया उसमें कुछ बच्चों को जस्ट पास किया गया। जस्ट पास करने का मतलब उनको 33-34% मिले। 34-33% मिलने का मतलब है पहले वो पास भी नहीं हो रहे थे। कई बच्चों के मेरे पास स्पेशली मैसेज आए, वो बोल रहे थे कि डिस्प्यूट की वजह से वो पास कर दिए गए, पहले उनका दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ था, ठीक है, और किसी में एसेंशियल रिपीट था, वो बच्चे पास हो गए। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जो पहले था उसे 45% ज़्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट, और जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको पास किया जा रहा है। एक और मैं अच्छी खबर दे दूँ, पहले जो होता था रूल उसके अकॉर्डिंग कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पास हो रहे हैं। यानी स्पेशली मैं कंपार्टमेंट की बात करूँ, पहले क्या होता था कि एक बार कंपार्टमेंट लग गया बच्चों को, फिर अगली साल पास होना मुश्किल हो जाता था। यानी कंपार्टमेंट को क्रॉस आउट करना, यानी उससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब बच्चे अगली साल ही पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, CBSE मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई करिए। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, उसमें नेसेसरी ये कंडीशन है, पहले तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व है और बच्चे के 3-4 मार्क्स कम हैं, तो मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू 3-4 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और उनको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं लास्ट रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और ये दो चीज़ें मैंने स्पेशली बताई, लास्ट रिकॉर्ड में देख रहा हूँ 45% के आसपास जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो हर साल पास होते जा रहे हैं, ठीक है। CBSE भी नहीं चाहती है कि कोई भी स्टूडेंट उसी क्लास में बना रहे, और CBSE ने भी हिंट दिया है कि मॉडरेशन पॉलिसी को हम लगा सकते हैं, बसरते क्या स्टूडेंट के जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये दो तरफ से हिंट मिल रही है, ठीक है। एक तो ये मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपार्टमेंट वाले बच्चे अगले साल पास होते जा रहे हैं, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू बच्चे पास होते जा रहे हैं। इन दोनों हिंट से समझ में आ रहा है कि ग्रेस मार्क्स लग सकते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंट हो सकता है। आगे कोई और अच्छी खबर आएगी वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।